राज्य के हिंदपीढ़ी नाला रोड में 29 मार्च 2020 को कोरोना का पहला केस निकला था। उसके बाद हिंदपीढ़ी मोहल्ला लगातार सुर्खियों में रहा। लगभग 2 महीने तक क्षेत्र की गलियां सील रही। इस बार यहां के लोग कोरोना के प्रति काफी सतर्क और सजग नजर आ रहे हैं। क्या है माहौल, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर ने। तस्वीरों से तो आप पहचान ही गए होंगे, यह है रांची का हिंदपीढ़ी मोहल्ला। इसी मोहल्ले के नाला रोड की इन्हीं गलियों से कोरोना का पहला मामला 29 मार्च 2020 को सामने आया था। एक मलेशियाई महिला से संक्रमण हजारों लोगों तक पहुंच गया। लगभग 2 महीने तक हिंदपीढ़ी की गलियां सील रही। लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई वो आज तक नहीं भूले। तो खाने पीने के लिए दिक्कत होता, फिर कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। हम लोगों का रमजान का टाइम भी बहुत दिक्कत हुआ था। दूसरा बात है, प्रशासन भी बहुत दिक्कत किया था। 30 मार्च 2020 वो तारीख थी जब राजधानी रांची में हिंदपीढ़ी के इसी गली में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव का केस निकला था। उसके बाद फिर एक सिलसिला सा चल पड़ा और एक साल बाद आज हम फिर उसी मुहाने और दहाने पे पहुंच चुके हैं कि जब एक बार फिर रांची में केस कम होने के बाद फिर से निकलने लगा है। लेकिन जानने के लिए तो हम यही आए थे कि क्या है सतर्कता, क्या है माहौल हिंदपीढ़ी के इन्हीं गलियों में जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, फर्स्ट बार जब खबर आई कि 29 मार्च को कि एक मलेशियाई महिलाओं को कोरोना हो गया था, तो लोग बहुत ई में पड़ गए थे कि अचानक पहला केस हम लोग का नाला रोड से ही निकला। असल वो बाहर की थी, यानी उसके बाद फिर लोगों को बहुत जांच हुआ। फिर अचानक 5 दिन बाद 5 अप्रैल को फिर नाला रोड के जो निवासी यहाँ के हैं हमारा, उसका केस आया। एक महिला का फर्स्ट केस निकला था। उसके बाद तो पूरे फिर हिंदपीढ़ी को सील कर दिया गया। कितने दिन सील रहा? लगभग जी लगभग 2 महीना सील रहा। बहुत दिक्कत हुई लोगों को, आना जाना बंद हो गया, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, लोगों का रोजगार बंद हो गया था, तो बहुत तरह की परेशानियां हुई। क्यों? इसलिए कि लॉकडाउन लग जाने से ना महामारी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत तकलीफ हो जाती है, हर चीज़ का तकलीफ, आदमी से लेकर जड़ जानवर तब का तकलीफ हो जाता है। तो हम लोग तो भाई महामारी से बचे हुए हैं, और ऊपर वाला चाह तो हम लोग बचे रहेंगे सब। एक बार यहाँ निकला था सबसे पहले रांची में नाला रोड में है, उसके बाद से तो अभी देखिए कि स्थिति ठीक है, मगर सबको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आज हिंदपीढ़ी बस्ती बिल्कुल शांत दिखाई देती है, मगर हर चेहरा बस एक ही सवाल पूछता है कि कहीं एक बार फिर जिला प्रशासन हिंदपीढ़ी की गलियों को वीरान न कर दे। हिंदपीढ़ी के लोगों ने काफी तकलीफ झेली, बहुत सारे ताने भी सुने। आज रांची के दूसरे मोहल्लों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, मगर हिंदपीढ़ी वाली सख्तियां कहीं दिखाई नहीं देती। के वार्ड में ये घटना घटी और फिर एक पूरे साल भर ये चर्चा रही कि हिंदपीढ़ी का नाला रोड जहां से इरप्शन हुआ, शुरुआत हुई, आज वही मौजूद एक बुजुर्ग एक अपील कर रहे हैं कि जो मास्क ना लगाए उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची।